संकेत भैया गीत में कुछ नहीं है क्योंकि मैं कुछ गाता ही नहीं हूँ, जो गाते हैं आप गाते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, सुनेगा। कि कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया, बजाओ हसलीना उखड़ जाता। ये हमारे दादाजी सुनील कुमार जी, आप तरफ से ये 201 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, और आपके जैसे इंसान होने चाहिए पब्लिक में। मुकेश भैया गीत में कुछ नहीं है, सुनेगा। कन्हैया लाल जी का जन्म हुआ, जन्म से लेके आखिरी तक चल रहा हूँ बस। कभी नाथा है कालिया, कभी नाथा है कालिया, और कभी माटी ही खालिया। समझते रहिए। कभी नाथा है कालिया, कभी माटी ही खालिया, ओ साथी को सीने से लगा लिया, आघा को जी भर अघा लिया। एक अघासुर नाम का राक्षस था, उसको जी भर अघा लिया। पहली लाइन कह रही है क्या, अरे तुम ही हो दास रचैया, अरे तुम ही बंसी के सखियों को सजा दिया। सुनेगा। तो कभी नाथा है कालिया, और कभी माटी ही खा लिया, ओ साथी को सीने से लगा लिया, आघा को जी भर अघा लिया। इसमें थोड़ा सा काम लगा मुकेश भैया। के गिरधर ने और गिरधर के दादाजी थोड़ा शांत रहिए दादाजी। के गिरधर के अरे लोगों को बरसा से बचा लिया,
धन्यवाद, आपकी तालियों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा गाना याद है। शिखर छाता सा है छालिया, पहली लाइन सुनिए। तुम ही हो रास रचैया, तुम ही बंसी के बजैया, तुम ही ने चीर चुराई, अरे तुम ही हो चीर भैया। एक बस कुबजा के खातिर, बस कुबजा के खातिर सारी सखियों को सजा दिया के मन हरने को, मन हर के राधा के, अरे मन को रिजा लिया, आगा को जी भर अगा लिया, प्रियवर ने अपियवर के सुदामा को आसन पे बिठा लिया, आगा को जी भर अगा लिया, चक्रधर ने चक्रधर के अरे चतुरता से कहर भी सम पे बिठा दिया सर, कहर भी सम पे बिठा दिया, शरारती जीवन बिता दिया, हेलो श्री राधे, हेलो सुना भी आप लोगों ने, सुना गुरु सुना। एक बहुत अच्छी बात कही सचदेवा भाई। कौन से? मुख में मीठी जवानी कौन रखता है, परिंदों को पानी कौन रखता है, केवल एक आप ही हैं, सिर्फ आप, जो गिरती दीवाल को अभी तक साधे हुए हैं, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया कि बुजुर्गों को केवल आप ही देख रहे हैं, बस, और बुजुर्गों की इज्जत कोई करना नहीं जानता।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जल्दी बताओ। गर्व से घमंडी भूल सकते हैं, अरे गर्व से घमंडी भूल सकते हैं, बेवजह नायक ही भूल सकते हैं। जो नालायक और घमंडी हो गए इस जमाने में, ऐसे इंसान ही बुजुर्गों को भूल सकते हैं। वरना अपने बुजुर्गों को कोई भूलने वाला नहीं है। इस महफिल में जितने बैठे हैं वो सर्व बुजुर्गों की निशानी याद रखते हैं और बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और बुजुर्गों का हमेशा आदर सम्मान करते हैं। ये आवाज बेटे, केवल घमंडी लोग बुजुर्गों को भूल सकते हैं। आराम से बताओ, कुछ लोग गुस्से में हैं? कोई बात नहीं, गुस्से में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत प्यारा गीत दिया है, बहुत प्यारा गीत दिया। एक बात कही आपने, मैंने सोचा जवाब में आप कुछ अलग लाएंगे, क्योंकि मैंने तो गलती कर ही दी है कि एक पे तो 12 बजे जमी पर। आप बोले भैया उस समय 12 नहीं बजते थे, उस समय पहर चला करते थे। तो मैंने सोचा मुकेश मृदुल तुमने 12 बजाए हैं, हो सकता है जवाब किसी पहर से आ जाए। लेकिन पता चला कि फिर एक पे तो 12 इनके मुंह में बज गए, चेहरे पे 12 बजे भाई। आपने जब मेरे लिए ये कहा कि आप भैया उस समय 12 नहीं बजते थे, मैंने तो ये सोचा कि अर्ध रात्रि में उनका जन्म हुआ तो उस समय अर्ध रात्रि में केवल रात्रि के 12 बजते हैं, वो भी इस जमी पर। तो जवाब आप पहर से लाएंगे, लेकिन पहर आपको पता ही नहीं है। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि जब वो जमुना पार की उस समय 12:15 बजे थे, तो सचदेवा भाई क्या यशोदा जी की यहाँ घड़ी टंगी थी? भाई 12:15 आपने कैसे अनुमान लगा लिया 12:15 बजे थे? जब 12 बजते ही नहीं, जब आपकी नजर में पहर चलते थे तो 12:15 क्या यशोदा जी की यहाँ घड़ी टंगी थी क्या? ये सब टीटू भाई करा रहे हैं। ये कैसे अनुमान लगाया? ये सब टीटू भाई करा रहे हैं आजकल। तो कुल मिला के, हालांकि आपका जवाब बहुत अच्छा है, जवाब के लिए हम कभी कुछ कहते ही नहीं, किसी से कुछ नहीं कहते। जो आपने दिया बहुत अच्छा दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चलते हैं आपके प्यारे से इस गीत की तरफ, हम बच्चे प्रयास करेंगे। भाई बहुमूल्य आशीर्वाद ये हमारे माननीय सम्मानी इस जवाब पे, इस तर्क पे माननीय सम्मानी सीमा जी, भाई बॉब देवेश कुमार जी महादेवा, जो कि मारुति वाल से हैं, इनकी तरफ से इस जवाब पे 51 रुपए का आशीर्वाद आया है। सीमा जी को मैं बार बार नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक प्यारा सा गीत जो आपने दिया है उसे सुनिएगा। अरे उम्र भर जी न सके, उमर
अरे कैसा सिला दिया रे बाबा का कैसा सिला दिया मुटवारे कब कुछ बुला दिया ये बाबा का कैसा सिला दिया राइटर महोदय को बार बार प्रणाम करते हैं बहुत अच्छा गीत दिया नमन वंदन है ऐसे गीत अच्छे मंडलों से ही आते हैं क्या बात बेटे आघा कर लगा लिया जी भर कर आघा लिया बहुत अच्छी बात है भक्त और भगवान का यही मिलन होता है फिर आपने कहा कभी नाथा है कालिया कभी मिट्टी को खा लिया ओ साथी रे अरे गिरधर को उठा लिया ये कन्हैया घर को उठा लिया ये बात क्या बात ये तो कन्हैया ने किया लेकिन देखिए कन्हैया के पीछे कुछ अलग और उल्टा होने लगे तब जवाब है ये अरे कन्हैया जो करेंगे वो तो अच्छा होगा ही क्योंकि वो भगवान है उनके जैसा कोई नहीं कर सकता लेकिन देखिए जहां कन्हैया गए वहां हुआ क्या सुनिएगा अरे जहां जंगल ही जंगल हमारे भैया मानी सम्मानी आदरणीय श्री पूजा जी वाइफ ऑफ प्रीति जी सॉरी सॉरी प्रीति जी वाइफ ऑफ अशोक कुमार महादेवा जी जय हो इनकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद कन्हैया लाल की निशावर आ रही है जय हो मैं कन्हैया लाल के भक्तों के चरणों में बार बार नमन वंदन करता हूँ आशीर्वाद चाहूंगा और ये संजय भैया मेरी बड़ी खुशकिस्मती है हमारे संजीव भैया डॉक्टर साहब आगरा से लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं क्या बात है क्या बात और संजय भैया के माध्यम से ये 100 का नोट उन्होंने वहीं से भेजा है आगरा में बैठे लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इनाम यहाँ दे रहे हैं मैं भगवान से यही आशीर्वाद चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर साहब को कभी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए सुनिएगा जवाब की तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा आदरणीय भैया हमारे छोटे भाई सचदेवा जी सुनिए ही जंगल वहां की खा है मंगल जहां जंगल ही जंगल था जिसको लोग वृंदावन कहते थे उस वृंदावन में भी भगवान ने मंगल कर दिया मतलब जंगल में मंगल कर दिया अरे जहां जंगल ही जंगल हाँ वहां पे कीन्हा मंगल हुआ सबका हित मंगल आया ये पर्व ये मंगल यह अरे आया जब पर्व ये मंगल ये पर्व जो जन्माष्टमी का हम आप मना रहे हैं इस पर्व में हमारा आपका नहीं ये आवाज अगर राक्षसों के भी कान में पहुंच जाए भगवान कृष्ण का सब उनका भी तारण तरण हो जाएगा क्या बात बड़े इसलिए सुनिएगा सुनिए मुरलीधर ने मुरलीधर के अरे मुरली को बजा दी हाँ मुरली को बजा दिया सबको
ये सबका जीवन सजा दिया, ये सबका जीवन सजा दिया, वो सबका जीवन सजा दिया। मुरलीधर ने मुरलीधर के मुरली को बजा दिया है, सबका जीवन सजा दिया, वो सबका जीवन सजा दिया। सुनिए अजन्माने जो अजन्मा है अविनाशी है, जिनको लोग कहते हैं बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ऐसे अविनाशी अजन्मा भगवान जन्म धारण करके आ गए। क्या बात बेटे, तो अजन्माने तन को सजा लिया है, सबका जीवन बना दिया। भैया जवाब एक विशेष, आपने कहा था विरोधाभास चल रहा है, भैया आपने कहा कि विरोधाभास चल रहा है मतलब उल्टा, तो देखिए मैं उल्टा करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ। वृंदावन में जब भगवान किशन बांसुरी बजाते थे तो एक उल्टी बात हो गई वहां पर, मतलब बिल्कुल उल्टा लोग करने लगे, करने क्या लगे ये सुनिए। क्या बात बेटे, अरे किसी के कान में पायल, लेकिन कान्हा की जब बांसुरी बजी तो देखिए गोपियों ने अपनी सुध बुध भूल गई, जो पांव की पायल है वो कान में पहन ली, क्योंकि ध्यान तो लगा है मुरली में। अरे किसी के कान में पायल और किसी के पांव में गजरा, के पांव में गजरा, और जब ये उल्टा हो रहा है तो कहीं पे आंख पे लाली, किसी की आंख पे लाली और किसी के होठ पे गजरा। इसी बात पे हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री, एक छोटी सी बच्ची, ये नन्हा आवेदन नन्हा आशीर्वाद मेरे लिए आया है, जो जिसका नाम है अट्टू, जो कि डॉक्टर ऑफ गोविंद यादव जी महादेवा जी। अट्टू ये बहन जी है, दीदी है, छोटी दीदी जहां भी हो मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बड़े भैया, भैया राजपाल भैया, मैं विरोधाभास बता रहा हूँ, जो नहीं होना था वो हो रहा, ये बात। किसी के कान में पायल, किसी के पांव में गजरा, किसी की होंठ पे, किसी के आंख में लाली और किसी के होंठ पे गजरा, ये मतलब जो चीज जहां लगाई जाती है वो वहां नहीं। शाबाश, श्रद्धा भक्ति है कैसा अपने को सजा लिया। कन्हैया से मिलने के लिए जा रही है गोपियां, उन्हें अपने तन की सुध बुध नहीं है कि हम पायल कहाँ पहने हैं, हमने कजरा कहाँ लगा लिया है, हमने लाली कहाँ लगा ली है,
उन्हें अपने रूप श्रृंगार से मतलब नहीं है, उन्हें केवल ये है कि हमें तो कन्हैया के दर्शन दीदार हो जाए, यही है प्रेम। इसे प्रेम कहते हैं। जो बार बार शीशा देखे, मोबाइल में फोटो ले, हम अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, वो किसी से प्यार नहीं करते, वो केवल सेल्फी लेते हैं और अपने सेल्फ डिपेंड अपने स्वयं में अपने आप में ही मर के चले जाते हैं। सुनेगा वो कान्हा से प्यार, देखिए गोपियों का कितना अविरल राम है प्रेम, देखिए सुनिए। प्रियवर ने जो प्रियवर है गोपियों के, तो प्रियवर को अरे प्रियवर ने प्रियतम सा बना लिया, ये प्रियवर ने प्रियवर को अरे प्रियतम सा बना लिया, कन्हैया ने सबको नचा दिया, वहां पर सबको नचा दिया।